हेलो बच्चों, कल हमने ऑप्टिक्स की शुरुआत की थी, तो जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन किया था। और हमने ये देखा था कि भाई अगर परावर्तन हो रहा है तो कौन सी राशि परिवर्तित हो जाती है और कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हमने अपवर्तन के लिए भी किया था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो एक मैं देख रहा हूँ कि आप सब बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आप देख तो रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं लिंक बार बार नहीं भेजूंगा आपको। तो इसलिए सभी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ये टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ तो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इन्हें जरूर नोट करें, ठीक है। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर भी करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के लिए जितना हो सके आप इसे शेयर करें। तो अपने ऑप्टिक्स के हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा कल हमने परावर्तन पढ़ा, तो ये परावर्तन की जो घटना होती है ना, ये घटना दर्पण से होती है, मिरर से, ठीक है ना। तो मिरर क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो आपतित प्रकाश की अधिकतर किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ऐसी वस्तु जो आपतित प्रकाश की किरणों के अधिकतर भाग को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, लगभग 99% पोर्शन क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, उस चीज को बेटा हमने दर्पण कहा। तो अपने सिलेबस में दो प्रकार के दर्पण, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण, जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण, जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो एक एक करके हम दोनों दर्पणों पर डिस्कशन करेंगे। एक ही मैं आपको बता देता हूं कि अपने सिलेबस में समतल दर्पण तो जस्ट नाम मात्र का है, थोड़ा जो डिस्कशन है वो गोलीय दर्पण का ही है और समतल दर्पण तो है नहीं, ऐसे समझ लो, ठीक। गोलीय दर्पण का ही डिस्कशन है, बट अगर हम कंपटीशन एग्जाम जैसे आईआईटी नीट की बात करें तो वहां पे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उतने हाई लेवल पर नहीं आएंगे। हम जस्ट स्कूलिंग के अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है कि आप एक प्लेन कांच लो, ये समतल कांच लिया आपने, इस तरह की शीट ली और उसकी एक सतह को आपने कर दिया पॉलिश कर दिया, है ना, पेंट कर दिया। तो ये वाली सतह तो गई आपकी पॉलिश सतह, पॉलिश सतह आपकी। और जो आपकी ये दूसरी सरफेस है जिससे जिसमें आप अपना चेहरा देख रहे हो, या ऐसे समझो कि जो आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेंगे, ठीक है। तो ये वाली सतह कहलाती है आप परावर्तक सतह। तो आप जिसमें अपना चेहरा देखते हो बेटा, वो वाली सतह इधर वाली है, ये परावर्तक सतह होती है। तो हर दर्पण के अंदर दो सतह होती है, पॉलिश सतह वे परावर्तक सतह। तो ये आपका समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है उस पर हम चर्चा करेंगे बेटा। अब देखो वस्तु भी दो तरह की होती है बेटा, एक होती है वास्तविक वस्तु और एक होती है आभासी वस्तु। आपका एक ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण पर जैसे मान लीजिए कोई किरण ऐसे पड़ रही है, ठीक। तो एक्चुअल में ये किरण कहां से आ रही है, अगर मैं इनको पीछे की उड़ाऊं तो पीछे उड़ाने पर ये किरण मुझे इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो बेटा ये जो पॉइंट है कि आपतित किरणें जिस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे, या मिल वास्तव में मिल रही है, मिलती हुई दिखाई देती है, तो बेटा वो पॉइंट कहलाता है आपका वस्तु। तो ये वस्तु हो गई, ठीक है ना। तो ये कोई वस्तु है ओ, ठीक है। इससे किरण इस दर्पण पड़ रही है, तो प्रतिबिंब का जो बनना होता है वो केवल दो दर्पण और दो किरणों के कारण नहीं होता। एक्चुअल में प्रतिबिंब का बनना अनंत किरणों के कारण होता है। अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसमें समझो उसमें कितनी किरण बन गई,
अनंत किरणें, प्रतिबिंब का बनना अनंत किरणों का कारण है, बट हम दिखाने के लिए केवल दो ही किरणें दिखाते हैं, क्योंकि जहां पर अनंत मिलेंगी वहां पर भी दो ही किरणें मिलेंगी, तो इसलिए हम केवल दो ही किरणें यहाँ पर दिखाते हैं, बट बनने का वास्तविक कारण दो किरणें नहीं है, प्रतिबिंब के बनने का वास्तविक कारण अनंत किरणें है। तो अब देखो क्या होगा, अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बेटा ये देखने के लिए जैसे यह आपकी आपतित किरण है, तो ये आपकी अभिलंब हो गया। अब आप बताइए आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाती है, तो ये वाली किरण कैसे आई और टकरा के इस तरीके से चली गई, ठीक है। इस तरीके से यहां पर अभिलंब बनाया हूं, यह आपका अभिलंब है, अब आपतित किरण जितना कोण बना रही है तो परावर्तित किरण भी क्या उतना ही कोण बनाते हुए चली जाएगी। तो अगर मैं देखूं कि ये परावर्तित किरण, ये वाली परावर्तित किरण और ये वाली भी परावर्तित किरण, अगर मैं ये देखूं ये परावर्तित किरण वास्तव में कहां मिल रही है, तो बेटा मैं इनको मिलाने के लिए पीछे की ओर बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर मुझे ये किरणें किसी भी पॉइंट पर मिलती हुई महसूस नहीं हो रही है, मिल नहीं, वास्तव में मिलती दिखाई नहीं दे रही। तो मैं क्या कहूंगा इधर के उड़ाने पर, मतलब इधर वाली पीछे के उड़ाने पर तो ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, तो अब मैं इनको आगे के बढ़ाने की शुरुआत करूंगा, अब मैं इसको आगे को बढ़ाऊंगा, तो मैं इसको आगे को बढ़ाता गया, जब मैं इसको आगे को बढ़ाता गया तो आगे के बढ़ाने पर ये वाली किरण मुझे किसी इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में मिल रही नहीं, मिलती हुई महसूस हो रही है। तो बेटा जहां पर परावर्तित किरणें मिले या मिलती हुई महसूस हो उस पॉइंट को हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु आई है ये आपका प्रतिबिंब है, और कैसा प्रतिबिंब है बेटा, आभासी, क्योंकि वास्तव में मिल नहीं रही। तो इस तरीके से समतल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज और, जब भी आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो ऑप्टिक्स पढ़ते समय आप जब किरण बनाते हैं तो किरण पर तीखा चिन्ह बनाना जरूरी है, क्योंकि जिधर किरण की किरण जा रही है उस दिशा में आपको बताना होगा, तो तीखा चिन्ह जरूर लगाना कि किरण किधर जा रही है, किधर आ रही है। तो बेटा अगर मैं इस समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पर डिस्कशन करूं, तो एक चीज देखो आप, ये दर्पण है, ये जो प्रतिबिंब है वो, ये वस्तु है वो, इसका प्रतिबिंब जस्ट आप देख रहे हो कि दर्पण के लंबवत जो लाइन है, इस लाइन बन रहा है, लाइन बन रहा। तो एक चीज ध्यान रखना कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के लंबवत वस्तु से खींची गई लाइन पर ही बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। अगर बेटा दर्पण से इस वस्तु की दूरी x है, तो प्रतिबिंब की भी वस्तु दूरी क्या होगी, दर्पण से दूरी क्या होगी, x होगी। तो मतलब जो दूरी वस्तु की दर्पण से है वही दूरी प्रतिबिंब की क्या होगी, दर्पण से होगी। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी, दोनों की दूरी दर्पण से क्या होती है, एक समान होती है। बेटा तीसरा एक चीज देखो कि जो आकार वस्तु का है, देखो कितना आकार वस्तु का, बिंदु आकार है, तो प्रतिबिंब में कितने आकार का है, बिंदु ही आकार का है, ठीक है। तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार समान है, प्रतिबिंब आवासीय है, और एक चीज और, प्रतिबिंब सीधा बनता है, जिससे आप देखते होंगे अपना चेहरा, जब आप आईने में देखते हो तो आपको अपना चेहरा सीधा ही नजर आता है, तो इसलिए प्रतिबिंब का संबंध बेटा सीधा। अब ये तो मैंने बिंदु वस्तु के लिए बात की, अगर मैं बड़ी वस्तु के लिए बात करूं, बड़ी वस्तु की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और डिस्कस कर दूं कि प्रतिबिंब का बनना एक तो दर्पण के आकार पर डिपेंड नहीं करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वस्तु दर्पण के परावर्तक सतह के जस्ट सामने। अब देखो अगर वस्तु आपकी यहां पर ही है, या यहां पे कहो या यहां पे कहो, और ऐसा कहो कि इससे 1000 किलोमीटर दूरी पर ही है, फिर भी दर्पण उसका प्रतिबिंब बनाएगी, और कहां बनाएगी, चाहे दर्पण छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रतिबिंब हमेशा जो दर्पण वाली लाइन है, इस लाइन के जब लंबवत जो लाइन होती है उसी पर बनाता है। जैसे इसका अगर हम सिर्फ कहेंगे इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मैं कहूंगा इस दर्पण वाली लाइन के जस्ट लंबवत और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु है, तो कहां बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा। तो अगर ये ओ है तो ये आपका आई है प्रतिबिंब।
अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका प्रतिबिंब दर्पण इतना सा और इसका प्रतिबिंब जस्ट यहां बन रहा है। देखो वो बात रहे कि ये प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई किसी और को देगा, बट बट इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां। देखो कैसे कि मैंने कहा यहां से प्रकाश की किरण चली, यहां से प्रकाश किरण चली दर्पण में पड़ी, जब ये दर्पण में पड़ेगी तो ये आपका आपतन कोण या आपतन ये अभिलंब, तो जितना एंगल आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए ये किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्लियर बेटा? दूसरी किरण भी इस दर्पण से निकली, इस वस्तु से निकली, मान ली दर्पण पे ऐसे पड़ी, तो ये पॉइंट आपका अभिलंब हो गया, तो जितना एंगल बनाते हुए आइए अपने एंगल बनाते हुए वापिस चली जाएगी इस तरीके से। तो देखो ये वाली किरण और ये वाली किरण, मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, इनके बीच में लगातार क्या होती है दूरी बढ़ती हुई जा रही है, वास्तव में कहीं पर भी मिल नहीं रही, रियलिटी में इन किरणों का मिलन नहीं हो रहा। तो अब ये किरणें मिलेंगी कहां, ये चीज देखने के लिए कि इन किरणों का मिलन किस पॉइंट पर होगा, तो बेटा ये गई तो इनको मैंने क्या किया पीछे के बढ़ाना आरंभ किया, तो पीछे में जब मैंने मिलाना आरंभ किया तो ये दोनों किरणें मुझे किसी इस पॉइंट पर मिलती हुई मान लीजिए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है तो देखो यहां पर मिलती हुई दिखाई देती है, वास्तव में मिल रही है, देखो इसका प्रतिबिंब जस्ट इसके सामने वाली लाइन पे यहीं को बना रहा है, बोलो आए नहीं इसमें। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए ऐसे ये दर्पण है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, बताओ ये दर्पण है छोटा सा, इतना सा दर्पण है, बताओ इस दर्पण का ऐसे प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये पर नॉलेज के लिए आपके सिलेबस में हो सकता नहीं पूछा जाए चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए। तो कहां बनेगा, इस दर्पण की लाइन के लंबवत, इस दर्पण की लाइन के लंबवत, कौन सी लाइन बेटा ये वाली लाइन है, तो इस दर्पण की लाइन के लंबवत ही बनेगा, और कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए आपकी वस्तु बड़ी, अब आप कह रहे समझिए बड़ी वस्तु का बना के दिखाओ हमको, है ना, हम कोई पॉइंट वस्तु को थोड़ी देखते हैं, हमारी आंख तो काफी बड़ी है जो हमारे शरीर को देखती है, बड़ी बड़ी वस्तु को देखती है, चलो ये बड़ी वस्तु बना लेते हैं, इधर देखो ये कोई बड़ी वस्तु है। ठीक है, ये कोई बड़ी वस्तु है, चलो है ये जो बड़ी वस्तु है ये उसका हेड है, ये उसकी आंखें, और नीचे वाला पोर्शन तो आप जानते हो क्या होगा, ये उसकी टांगे होंगी है। तो अगर अब इसकी आंखों को इसका प्रतिबिंब कहां बनता दिखाई देगा, तो अब आप देखो, अब आप मैंने क्या बताया कि बिंदु का प्रतिबिंब कहां बनेगा इसके सामने, तो क्या अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर ये इसको मैं बिंदु में डिवाइड कर दूं तो इसका प्रतिबिंब जस्ट इसके सामने वाली लाइन पर की दूरी पर बोलो बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे अगर मैं ऊपर वाले से लेकर देखूं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जस्ट इसके सामने वाली लाइन पर इसके लंबवत, और इस आंख का भी यहां पर, तो बोलो आए नहीं, तो इसका हेड उसे यहां दिखाई देगा, आई यहीं पर होंगी और इसकी टांगे यहीं पर होंगी, तो जो आकार वस्तु का वही आकार प्रतिबिंब का है, बोलो है नहीं, वह सीधा बना नहीं बना, ठीक है ना, चेहरा सीधा दिखता है और अपने आकार के समान दिखता है समतल दर्पण में, तो वही चीज यहां पर है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार क्या होता है समान। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि वस्तु सीधी बनेगी, अगर ये वस्तु आपकी ए बी है तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहीं पर ही बनेगा, इसके सामने बनेगा, सीधा बनेगा पास में। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं बता, आपने क्या देखी, पहला पॉइंट आपने देखा कि वस्तु का आकार व प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, एक समान होता है। दूसरा आपने देखा कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। तीसरा आपने देखा कि प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी दोनों क्या होती है, समान होती है, मतलब जो दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब है। अब एक चीज बेटा, एक चीज होती है आवर्धन, क्या होती है आवर्धन, आवर्धन क्या होता है कि आवर्धन जो टर्म है आप ऐसे समझो इसको, वैसे तरीके से देखिए आवर्धन कहते हैं, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो एक चीज देखो, प्रतिबिंब का आकार कितना, अगर ये वस्तु वाई आकार की है तो प्रतिबिंब कितने आकार का होगा,
वाई ही आकार क्या होगा, दोनों का आकार क्या बराबर है। अब देखो ये भी ऊपर की ओर, तो ये भी ऊपर की ओर, अगर ये वाली दिशा पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव दिशा में, ये पॉजिटिव दिशा में, तो जो आकार प्रतिबिंब का है वही आकार वस्तु का, तो y डिवाइडेड बाय y कोण कितना गया, 1/4। तो इसका मतलब आप ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है बेटा, इसका आवर्धन कितना होता है +1, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है +1। यहां तक जो मैंने पढ़ाया है उसे आप नोट करें। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक का हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका गोलीय दर्पण, समतल दर्पण अपना इतना ही है सिलेबस में, इतना भी नहीं है, ये मैंने काम बता दिया आपको, है ही नहीं। शुरुआत यहां से होती है, गोलीय दर्पण स्फेरिकल बेटा। गोलीय दर्पण क्या है, जैसे नाम ही हमें बता रहे कि अगर हम कांच का गोला लें, क्या ले, कांच का गोला, ठीक है, मैंने एक कांच का गोला लिया और उस कांच के गोले के कुछ भाग को, इस कांच गोले का मैंने कुछ पोर्शन ले लिया, कुछ पोर्शन मान लीजिए मैंने कट कर लिया। अब इस कांच गोले के दो भाग, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, अब इसके दो सतह में से अगर मैं किसी एक सतह को कर दूं पॉलिश कर दूं, तो पॉलिश करने के बाद मुझे जो ये वाला पोर्शन प्राप्त हुआ, ये वाला पोर्शन जो प्राप्त हो रहा है, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, यही चीज क्या कहलाएगी आपके गोलीय दर्पण, तो यही चीज तो आपका दर्पण है। तो दर्पण क्या होता है, एक कांच के गोले का भाग होता है जिसको, जिसकी किसी एक सतह को क्या कर देते बेटा हम लोग, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरी सतह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब पॉलिश हम अगर मैं इसको, अब मैं पॉलिश तो इस वाली सतह को भी कर सकता हूं और पॉलिश मैं इधर वाली सतह को कर सकता हूं, तो कौन सी सतह को पॉलिश किया है या कौन सी सतह से अपना चेहरा देख रहे हैं, मैं चेहरा इधर वाली सतह से देख रहा हूं या इधर वाली, ये इस भाग, इसका इस भाग को मैंने काट लिया, इससे ये आपका दर्पण हो गया, कांच का भाग है, ये दर्पण है आपका, ठीक है। तो अब मैं कौन सी सतह को पॉलिश कर रहा हूं, इस आधार पर जो दर्पण होते हैं बेटा वो दो भागों में बांटे हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता उत्तल गोलीय दर्पण और एक होता अवतल गोलीय दर्पण। बेटा जैसे मान लीजिए ये आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये आपका कांच का गोला है और इस कांच के गोले के इसमें कुछ पोर्शन लीजिए ये वाला है। अब मान लीजिए मैंने इस वाले सतह को पॉलिश कर दिया, कौन सतह, इसकी दो सतह हो जाएंगी, ये उभरी हुई और ये धसी हुई, और मैंने कौन सतह को पॉलिश कर दिया, धसी हुई सतह को पॉलिश कर दिया। तो अब मैं चेहरा कौन सतह से देख रहा हूं, इस वाली सतह से, और ये ये कौन सतह हो गई, परावर्तक सतह, ठीक है ना, और ये कौन सी बेटा आपकी पॉलिश सरफेस, पॉलिश सतह है ना जो भी। तो अपना मैं चेहरा किस सतह से देख रहा हूं, इस वाली सतह से देख रहा हूं। तो अगर मैं अपना चेहरा गोलीय दर्पण की उभरी हुई सतह से देख रहा हूं, तो बेटा इस दर्पण को मैं क्या नाम दूंगा, उत्तल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण बेटा आपका, उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या होता है उत्तल दर्पण, यदि परावर्तक सतह मतलब जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जिसमें आप अपना चेहरा देख रहे हो, यदि परावर्तक सतह आपकी कैसी बेटा उभरी हुई है, ठीक है, तो वो दर्पण कौन सा कहलाता है आपका, उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण। इस तरीके से आपका ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, इस गोल दर्पण में मैंने मान लीजिए कुछ पोर्शन कट कर लिया, ये वाला पोर्शन कट कर लिया और मैंने इस पीछे वाली सतह को पॉलिश कर दिया। तो अगर भाई अब तो इसमें अगर मैंने इसको कहीं परावर्तक सतह कौन सी, तो ये वाली सतह क्या हो गई, परावर्तक हो गई, इसको मैंने यहां से काट दिया, वैसे आप चारों से काट दो तो ये वाली सतह है, तो जिस कांच गोले का भाग है वो यही है, तो यह आपकी क्या परावर्तक सतह, और ये क्या आपकी पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो अब आप अपना चेहरा किसे देख रहे हो, उभरी हुई सतह से, धसी हुई सतह से,
धसी हुई सतह से। तो यदि परावर्तक सतह कैसी आपकी धसी हुई है, या आप अपना चेहरा कौन से तरह से देख रहे हो, धसी हुई सतह से देख रहे हो बेटा। यदि प्रकाश का परावर्तन गोले की धसी हुई सतह से हो रहा है तो वो कौन सा दर्पण है, वो कहलाएगा आपका कौन सा, अवतल गोलीय दर्पण। तो ये आप कौन सा दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण, और जिसको इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, तो अब इस दर्पण के बारे में कुछ बेसिक शब्दावली है उस पर हम चर्चा करेंगे, आप यहां तक की चीजें नोट करें। हाँ जी, अब हम दर्पण से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म का डिस्कशन करते हैं। जैसे आपका ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये कुछ जरा सा हिस्सा है मान लीजिए गोले का। मान लीजिए मैंने इस वाले सतह को बेटा क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो बच्चे ये बेटा कौन दर्पण होगा। अब जब आप अपना चेहरा कौन सा जगह उड़ेगी तो ये कौन दर्पण है, उत्तल गोलीय दर्पण। ये कौन सा है, उत्तल गोलीय दर्पण। अब देखो, अब इस उत्तल गोलीय दर्पण में मैं एक पॉइंट सी ले लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट सी, ये पॉइंट सी क्या कहलाएगा, ये पॉइंट सी कहलाता है इसका वक्रता केंद्र। बेटा सी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा, ये गोलीय दर्पण किस गोले का हिस्सा, इस वाले गोले का हिस्सा है, तो जिस गोले का ये भाग है गोलीय दर्पण, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र है। अगर मैं इस गोलीय दर्पण से लंबवत, दर्पण पर एक लाइन जो लंबवत, दर्पण पर जस्ट लंबवत कैसे, ये इस तरीके से, तो ये लाइन आपके दर्पण को जिस पॉइंट पे काटेगी, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ऐसा दर्पण में जो मध्य बिंदु है ये वाला, इस मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव। तो जो बिंदु P है, इस बिंदु P को हम बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। अब इस ध्रुव और वक्रता केंद्र C को मिलाते हुए जो हम लाइन खींचेंगे, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन मैंने एक्स वाई नाम दिया इसका, तो ये एक्स वाई जो लाइन है, ये वाली लाइन एक्स वाई, ये कहलाएगी क्या बेटा, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। अब इस ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच की जो ये दूरी है आर, कैपिटल आर, इस कैपिटल आर को हम बोलते हैं क्या बेटा, वक्र त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्र त्रिज्या, ठीक है। तो आप ये सभी टर्म नोट करें। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इसी बेसिक टर्म में, एक टर्म बोलते हैं द्वारा, द्वारा, द्वारा को इंग्लिश बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर क्या होता है समझो, कि दर्पण के जितने भाग से होकर प्रकाश मिल सकता, देखो ये दर्पण है, तो इस दर्पण के कितने भाग से होकर प्रकाश मिल सकता है, कितने भाग से, तो ये जो भाग है ये वाला एक्स पी वाई, अगर मैं इसको एक्स नाम दूं, इसको वाई नाम दूं, यहां पर इसको चलो ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश को मुख्य अक्ष हो गया, और ये एक्स पी वाई क्या हो गया आपका, द्वारक। ये एक्स पी वाई क्या कहलाएगा आपका, द्वारक, ठीक है। तो क्या होता है द्वारक, दर्पण के जितने भाग से होकर प्रकाश गुजर सकता है बेटा, वो चीज क्या कहलाती है आपकी, द्वारक। अब कुछ बेसिक टर्म और है, जैसे मुख्य अक्ष हो गया, सॉरी मुख्य फोकस। तो बेटा मुख्य फोकस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कि जैसे ये मान लीजिए आपका दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, इस दर्पण पर हमने क्या की, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित किया, ठीक है। अब बेटा जब मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए सी, तो सी से दर्पण पर खींची गई हर लाइन लंबवत होती है, त्रिज्या गोले स्तर पर क्या होती है, लंबवत। तो अगर मैं वक्रता केंद्र सी से कोई भी लाइन दर्पण पर खींचू, क्या कहलाएगी, अभिलंब। तो ये क्या आपकी, अभिलंब है। अब क्या हुआ, ये लाइन
प्रकाश में ऐसा ही अभिलंब सर कुछ को बनाया और इस तरह कुछ को बनाते हुए इस तरीके से चलिए इस तरीके से ये वाली किरण भी यहां से अगर मैं ऐसे त्रिभुज पर तो ये भी अभिलंब है एन डैस मान लीजिए कुछ एंगल बनाई आई बनाते हुए इस तरीके से चलिए ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों किरणों को इसको और इसको देखो ये दोनों किरणें आगे तक मिलेंगे अगर मैं इन दोनों को पीछे के बढ़ाऊं तो पीछे के बढ़ाने पर ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें मुझे किसी इस पॉइंट पर मिलती हुई महसूस होंगी तो ये पॉइंट आपको कहलाएगा मुख्य फोकस। या ये तो मैंने बात करी किसके लिए उत्तल दर्पण के लिए अब यही चर्चा मैं अवतल दर्पण के लिए करूं जैसे आपका ये अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष हो गया इस अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें इस तरह आ चुकी टुडे भी आप लोग तो ये इस तरह के टकरा के ऐसे आएंगे और एक किरण मैंने याद कर याद हो गए इस तरीके से ऐसे जाएंगे ठीक है ऐसे गए इस तरीके से गई टकरा के चली तो ये दोनों किरणें कहां पर काट गई यहां पर तो ये वाला जो पॉइंट है कैपिटल एफ ये पॉइंट कहलाएगा मुख्य फोकस। तो मुख्य यहां पर तो ये काटती हुई महसूस हो रही है और यहां पर ये वास्तव में काट रही है तो क्या होता मुख्य फोकस दर्पण पर किसी भी दर्पण पर गोलीय दर्पण पर किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन हो गई ठीक है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई महसूस होती है काटती है काटती महसूस होती है बेटा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं कौन से मुख्य फोकस बोलते हैं क्या बोलते हैं मुख्य फोकस बेटा ये आपका ध्रुव ये होती है फोकस ध्रुव ठीक है ना फोकस ध्रुव क्या होती है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की ये दूरी ये वाली ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी ये क्या कहलाती है फोकस ध्रुव तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी आपकी फोकस ध्रुव ठीक है ये फोकस ध्रुव एफ और ये क्या फोकस ध्रुव फोकस ध्रुव क्या ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा फोकस दूरी कहते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे आप इसे नोट करें बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना चिन्ह परिपाटी मतलब कि कौन से चिन्ह हमें पॉजिटिव लेने कौन से चिन्ह नेगेटिव लेने दर्पण में तो बेटा जैसे ये आपका दर्पण है कोई सा दर्पण ले लो जैसे अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में सभी दूरी कहां से मापते हैं हम लोग मूल बिंदु ओ से तो यहां पर जो ध्रुव होता है वही मूल बिंदु की तरह काम करता है मतलब जैसे मैथमेटिक्स में सभी दूरियां मूल बिंदु ओ से मापी जाती है वैसे ही दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है ध्रुव पी से मापी जाती है तो दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी ध्रुव से ठीक है। अब बेटा दूसरा जो जैसे इधर वाली दूरी क्या होती है पॉजिटिव और इधर वाली दूरी क्या होती है नेगेटिव इधर वाली क्या होती है पॉजिटिव और इधर वाली क्या नेगेटिव वही साइक्रमेंट इसी में कि दर्पण से आरएचएस ध्रुव से आरएचएस दिशा में मापी गई दूरी क्या लेते हैं धनात्मक और ध्रुव से एलएचएस दिशा में मापी गई दूरी क्या लेते हैं ऋणात्मक और एक चीज ध्यान रखना वस्तु हमेशा किधर रखते हैं एलएचएस में यदि वस्तु एलएचएस में है तो इधर वाली दूरी पॉजिटिव इधर वाली दूरी नेगेटिव ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट नेगेटिव होती है इन चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। अब जैसे हमसे कहा जाए कि बोलो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव या नेगेटिव अब देखो और ध्रुव से मापी जाएगी दूरी तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस किधर है इधर बोलो है नहीं तो इधर तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या हुई पॉजिटिव बोलो है नहीं क्योंकि ध्रुव से इधर वाली दूरी राइट आरएचएस दिशा में मापने पर क्या होती पॉजिटिव ये इधर है तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या हुई पॉजिटिव क्योंकि अगर हम अवतल दर्पण के लिए देखें तो बेटा अवतल दर्पण के लिए फोकस किधर है इधर तो पी से इधर वाली दूरी क्या हुई नेगेटिव तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी नेगेटिव तो ध्यान रखना उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव। तो आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करेंगे शेष अध्याय अपना कल करेंगे आज की तो यहीं तक है तो आप इसे नोट करें और कल से अच्छे टॉपिक एक मेन टॉपिक फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या मतलब फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या कैपिटल आर के मध्य क्या संबंध है और गोलीय दर्पण के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे लगभग कल हम गोलीय दर्पण कंप्लीट करा देंगे ठीक है थैंक यू।